हेलो एवरीवन, आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनालिटी, आप लोगों के बीच में बॉन्ड कैसा रहेगा, आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा और टाइम फ्रेम क्या रहेगा, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो जो भी शादी लायक लोग हैं या फिर जिनके बच्चे शादी लायक है, वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज वेदिका ओझा और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, आप लोगों ने इंटेंटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप वन में आते हो। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप टू में आते हो। जो लोग इंटेंटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप वन की रीडिंग को स्टार्ट करते हुए ग्रुप टू आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप वन, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच का इक्वेशन कैसा रहेगा, ये सारे ही सवालों के जवाब आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसी के जरिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो हो बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो, आप काफी कुछ होल्ड करके रख देते हो, जब आपको हर्ट हो जाता है तब आपको हील होने में भी टाइम लग जाता है। आपने थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहिए और आपको आपके इमोशंस रेगुलेट करते आने चाहिए, ये गाइडेंस भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। सेंसिटिव होना गलत नहीं होता है, लेकिन भावनाओं में बह के डिसीजंस लेना हर बार सही नहीं होता है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आप आपकी लाइफ में ऐड कीजिए और थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए तो आप लोगों की लाइफ और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपके इमोशनल नेचर की वजह से लोग आपका फायदा ना उठाए, बस इसी चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब आपकी शादी किससे होगी, उनसे रिलेटेड मुझे क्या समझ आ रहा है, वो सारी ही चीजें देख लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग भी मेडिटेट करें, अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, टेन ऑफ कप्स का ये कार्ड है। टेन ऑफ वाटर इस पे लिखा है, लेकिन रेगुलर डेक में ये टेन ऑफ कप्स का कार्ड होता है, यानी इमोशनल फुलफिलमेंट का ये कार्ड होता है। यानी आपकी शादी लव मैरिज रहे चाहे अरेंज मैरिज रहे, आपको इस शादी से एक इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा इसके लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ। एट ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मैच्योर रहने के चांसेस है, एक लिसनर की क्वालिटी मुझे उनमें दिखती है। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते होंगे, सोच समझ के बातें करते होंगे, तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर सेंसिबल रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फोर ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि ये शादी के पहले आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे या फिर ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में उतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं चल रहा हो, तब आप मैरिज के बारे में सोचो और तब आप आगे बढ़ो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। तो कई बार आपको ऐसे भी लग सकता है कि पता नहीं अभी आगे क्या होगा, अब तक तो ऐसे ही हुआ है, आगे कैसे होगा, ये सारी चिंताएं भी आपके दिल में मुझे दिखाई दे रही है। और अभी इस वक्त आप काफी अकेले और ब्रोकन भी फील करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ब्रोकन एंगेजमेंट या फिर ब्रोकन मैरिज की संभावना भी मुझे यहाँ पे दिख रही है।
और क्या मुझे समझ आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड देख लेते हैं, उनके कुछ क्वालिटीज को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। वो हो सकता है कि थोड़े से कोल्ड रहे या फिर उनको ठंड ज्यादा लगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रही है। इम्पल्सिव ये इंसान नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा सोच समझ के रिएक्शन देने वालों में से ये रहेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल ये पर्सन रहेगा, सादगी इनका गहना रहेगा, इनको बहुत ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ ये रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओपन माइंडेड ये पर्सन रहेंगे, दकियानुसी ख्याल इनके नहीं रहेंगे, हमेशा लर्निंग पे इनका फोकस रहेगा, नई चीजें सीखना, नई टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना ये इनके हॉबीज रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट ये पर्सन रहेंगे और इनका कॉन्फिडेंस ही इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, ऐसी भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। अब इनके फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड मुझे क्या समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ओवल फेस इनके रहने के चांसेस है, फेस पे बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस इनके नहीं रहेंगे, न्यूट्रल फेस बना के रखना ये इनकी आदत रहने के चांसेस है। इनके दिल में क्या चल रहा है आप पता नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा कवर अप कर पाते होंगे अपने फीलिंग्स को, इस टाइप से भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सॉफ्ट हेयर इनके रहने के चांसेस है, ड्रीमी आईज इनके रहने के चांसेस है, इनकी आईज से ऐसे लगेगा कि ये थोड़े से ड्रीमी नेचर के हैं लेकिन रहेंगे नहीं, इनके आईज से ऐसे लगेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है, या फिर इनकी आईज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एवरेज टू टॉल हाइट इनकी रहने के चांसेस है, डार्क ब्राउन आईज इनके रहने के चांसेस है। तो ये इनका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो निकल के आया है। अब इंसुलेटेड मुझे और क्या समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का आया है, तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका कोई ऑक्यूपेशन हो, साइंस बैकग्राउंड इनका हो, इंजीनियर्स या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स IITians इनके रहने के चांसेस है, या फिर साइंस बैकग्राउंड यानी केमिस्ट भी होता है तो वैसा कुछ ऑक्यूपेशन भी इनके रहने के चांसेस है, फिजियोथेरेपिस्ट हीलर्स रहने के भी इनके चांसेस है, या फिर बोलने से रिलेटेड यानी मार्केटिंग से रिलेटेड इनका ऑक्यूपेशन रहने के चांसेस है, जैसे टीचिंग प्रीचिंग हो गया या फिर काउंसलिंग हो गया, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई ऑक्यूपेशन रहने के चांसेस है, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज इनके रहने के चांसेस है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये बहुत ज्यादा क्वाइट सेंसिबल मैच्योर पर्सन रहेंगे, फाइनेंशियली वेल टू डू रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कभी कभी इनके कम बोलने की वजह से लोग इनको घमंडी समझते होंगे, ये ड्रॉबैक भी मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहेगी, ये कम बोलना प्रेफर करते हैं और इनके कम बोलने की वजह से कभी कभी ये मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि इनमें एटीट्यूड है लेकिन इनमें एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट इनमें बहुत ज्यादा रहने के चांसेस मुझे पे लगते हैं। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया है, तो इनको स्टक रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर कुछ काम बंद है तो ये वहां पे जाके अपनी एनर्जी पुट करते हैं और वहां के काम जो है वो चलने लग जाते हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है रुकी रुकी सी जिंदगी, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, बंद पड़े हुए काम इनको अच्छे नहीं लगते हैं, बंद पड़ी हुई घड़ियां इनको अच्छी नहीं लगती है, इनको मूवमेंट अच्छा लगता है, इनको कुछ ना कुछ करते रहना, प्रोडक्टिव चीजों में बिजी रहना इनको पसंद आता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। व्हील का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये बहुत ही ज्यादा भाग्य प्रधान लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी समय जो है, डेस्टिनी जो है, यूनिवर्स जो है, इनको सपोर्ट करता है और ये भी मेहनत करने से चूकते नहीं है, लेकिन इनको टाइम टू टाइम डेस्टिनी का भी सपोर्ट मिलता रहता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि इनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक हो, या फिर मुझे ये लगता है कि ये थोड़े से सोशल नहीं रहेंगे, यानी इनको अपने आप में रहना ज्यादा पसंद हो लेकिन इनको नेचर के साथ कनेक्ट करना ज्यादा पसंद हो, पार्टीज और पब से भी ज्यादा पहाड़ और नदियां जानवर इनको पसंद हो, इस टाइप से इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है।
अब आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। आप दोनों के बीच में यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी रहेगा। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, यानी अगर आप लोगों को कुछ बुरा भी लग रहा है, कुछ चीजों से लेके आप परेशान भी हो रहे हो, तो आप खुल के बातचीत करना प्रेफर करोगे और क्लियर कम्युनिकेशन करने की वजह से काफी कुछ चीजें आप लोग रिजोल्व करोगे। यानी जब आपको कुछ बुरा लग रहा है या फिर जब आप लोगों के कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, तो आप वो दिल में रखने के बजाय क्लियरली बताना प्रेफर करोगे और उसी की वजह से काफी कुछ आप लोगों के रिश्ते जो है वो मजबूत हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऐसा होता ही नहीं कि आप लोग कभी भी एक दूसरे से नाराज ना हो। सकता है कि कभी कभी आप लोग एक दूसरे का दिल दुखा दो, एक दूसरे से नाराज हो जाओ, लेकिन आप लोगों की नाराजगी आप लोगों के प्यार से बड़ी नहीं रहेगी। आप लोगों का एक सैटिस्फैक्टरी मैरिड लाइफ रहेगा, यही मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। मुझे ऐसे भी लगता है कि यहाँ पे आप लोगों ने चुप रहने के बजाय क्लियर कम्युनिकेशन करना प्रेफर करना चाहिए, ताकि आप लोगों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाए और आप लोग एक फैबुलस कपल में ट्रांसफर हो जाए। तो पर्सन के फैमिली के लिए मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने वाली वो फैमिली हो सकती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वो हो सकते हैं, यानी वहां पे बहुत ज्यादा तहजीब अदब हो, या फिर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी हो, यानी पूजा पाठ करने वालों में से भी वो हो सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ कर्मा में यकीन करने वाले वो लोग हो सकते हैं। मुझे ऐसे भी लगता है कि उनके लिए मैं यही कहूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा आइडियल लोग रहेंगे, यानी क्या सही है क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए, किसके सामने कैसी बात रखनी चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स को फॉलो करने वाली ये फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, आप लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के चलोगे। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स भी अगर आती है तो भी आप उनको रिजोल्व करके आगे बढ़ोगे, तो एक बहुत ही अच्छा मैरिड लाइफ आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि ये लव मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज रहने के चांसेस है, यानी पहले आप लोगों को एक दूसरे के लिए कुछ कनेक्शन फील होगा, फिर उसके बाद आपकी शादी होगी। इवन इफ ये अरेंज मैरिज के जरिए या फिर मैट्रिमोनियल जरिए भी आप लोगों को मिल रहे हैं, तो भी आपका दिल जो है एक कनेक्शन इनके लिए फील करेगा, फिर ही आपकी शादी होगी, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है, बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेट मैरिज के चांसेस यहाँ पे है, तो एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और मुझे अगर अभी से टाइम फ्रेम बताओ तो ये ईयर एंड या फिर अगले साल मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी समझ आ रही है। आप लोग जब भी इस वीडियो तक पहुंचते हो, उसके नेक्स्ट ईयर आपके शादी होने के योग बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली साल भर का अभी आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा एक जीवन साथी मिलने वाला है, यही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। अब आप लोगों के बीच का डायनेमिक कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। द बेस्ट थिंग लाइफ हैज बॉट टू मी इज यू, थैंक यू फॉर बींग माई पार्टनर ऑल द वे। हो सकता है कि आपका पार्टनर परफेक्ट ना हो, उनमें कुछ फ्लॉज हो, लेकिन उनसे मिलके आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और आपको ऐसे लगेगा कि इससे अच्छा मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप में से ज्यादातर लोगों की शादी उसी के साथ होगी जो आपके दिलो दिमाग में है। डिजायर्ड पार्टनर मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जिनका सिर्फ साथ ही आपके लिए काफी है। ऐसी ही एनर्जी में आप लोग रहोगे, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ। तो ग्रुप वन के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप टू, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, शादी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स आज मुझे मिलेंगे वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसी के जरिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले है। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चलता है, यानी आप लोग ओवर थिंकर की एनर्जी मुझे आप में दिखाई देती है। एक जगह पे चुपचाप नहीं बैठ पाना, रेस्टलेस रहना, कभी कभी एंग्शियस फील करना या फिर बहुत ज्यादा सोचना, ये आप लोगों का ट्रेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप में एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आपकी शादी किससे होगी वो भी देख लेते हैं, मुझे उनसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देख लेते हैं।
आप लोगों ने अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करना चाहिए। जितना आप अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करोगे उतने पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। तो ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आप लोगों ने अवॉइड करना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है, सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड, यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो है मैंने ले लिए हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो हर्मिट का कार्ड आया है, तो वो इंसान जो रहेगा थोड़ा सा कम सोशल रहेगा, अपने आप में रहना प्रेफर करेगा, अपनी कंपनी एंजॉय करेगा, घर पे रहना इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। इस टाइप से उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है, काफी डीप पर्सन मुझे वो दिखता है, यानी इनको मीनिंगफुल चीजें अच्छी लगती है, प्रोडक्टिव चीजों में बिजी रहना इनको अच्छा लगता है, गॉसिप करना, शो ऑफ करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मुझे इनकी दिखाई देती है। कॉमन फ्रेंड, कॉमन रिलेटिव या फिर नेटवर्किंग के जरिए, यानी मैट्रिमोनियल के जरिए आप लोगों के मिलने के चांसेस है, या फिर और किसी के शादी में आप लोग मिलो, या फिर कोई क्लब गेट टुगेदर गैदरिंग में मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, फाइंडिंग अ सुटेबल मैच विल बी टफ फॉर यू, आफ्टर सम डिफिकल्टीज यू विल फाइंड द राइट पर्सन, ये भी गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग पर्सन मुझे दिखता है, उनमें एक ऐसी एनर्जी रहेगी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनमें रहेगी, यानी कुछ प्रॉब्लम आने के बाद ये स्टक नहीं फील करेंगी, उन प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रहे चाहे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रहे। काफी स्मार्ट वो पर्सन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और एक दिलदार पर्सनालिटी मुझे उनकी दिखती है, एक केयर टेकर की एनर्जी मुझे उनकी दिखाई देती है। और भी कुछ क्वालिटीज उनकी क्या है, और भी उनमें क्या क्वालिटीज रहेंगी वो भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा सपोर्टिव ये पर्सन रहेगा, हेल्पिंग नेचर मुझे इनमें दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा ऑनेस्ट भी ये पर्सन रहेंगे, यानी इनको ऑनेस्टी लॉयल्टी बहुत ज्यादा मैटर करेगी, जो है जैसा है बोल के फ्री हो जाना इनको पसंद आएगा, इनको दिखावा पसंद नहीं आएगा, या फिर इनको झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, इस टाइप से मुझे इनका यहाँ पे समझ आ रहा है। बहुत ज्यादा ट्रूथफुल ये रहेंगे, बहुत ज्यादा क्यूरियस माइंड इनका रहेगा, यानी एक जिज्ञासा रहती है ना, ये जानना है वो जानना है एक्सप्लोर करना है, इस टाइप से इनका माइंड रहेगा। काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन रहने की वजह से भी इनको हर चीज की खोजबीन करना, रिसर्च करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। ट्रेडिशनल रहेंगे, यानी अपनी जड़ों से, संस्कृति से जुड़े हुए रहेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे ये अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे, इस टाइप से इनकी जो पर्सनालिटी है वो रहेगी। यहाँ पे ये जो कार्ड है अपने आप निकल के आ गया है, थोड़े से कंजर्वेटिव फैमिली से रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे ओल्ड इज गोल्ड इस टाइप से ये सोचने वाले, थोड़े से प्रोटेक्टिव फैमिली के, या फिर थोड़ी सी जो पुरानी चीजें होती है उनमें यकीन करने वाले, जैसे ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, या फिर इस टाइप से ये फैमिली रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही ज्यादा हम्बल ये पर्सन रहेंगे, बहुत ज्यादा पोलाइट, वेल मैनर्ड ये पर्सन रहेगा। जो कहते हैं ना कि पेड़ जितना फलों से लदा हुआ होता है उतना ही ज्यादा झुका हुआ होता है। इनकी मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा शार्प रहेगी, और बहुत ज्यादा बोलते वक्त याद रखने वाली मेमोरी रहेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, ऑब्जर्वेंट रहेंगे ये, क्लियरली सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना, नोटिस करना ये इनका रहेगा। हर किसी को पहले ये ऑब्जर्व करते, नोटिस करते, स्टडी करते फिर अपनी बात रखते हो, इस टाइप से इनकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेल्फ सफिशियंट ये पर्सन रहेंगे, इवन इफ ये फीमेल है तो भी ये सेल्फ डिपेंडेंट रहने के चांसेस है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी मुझे इनकी दिखाई देती है, अपने आप में कंप्लीट फील करते हो, इस टाइप से काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मुझे इनकी दिखाई देती है। अब थोड़ा सा इनका फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड मुझे क्या समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इनके कान जो है वो बड़े होने के चांसेस है, बड़े कान होना भी इंटेलिजेंस की निशानी होती है, तो ये इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे। पेनिट्रेटिंग स्टेयर, यानी जब भी ये किसी को देखते हैं तो उसके दिल में घर कर जाता हो, इस टाइप का इनका स्टेयर रहने के चांसेस है, तो काफी अपीलिंग ये रहेंगे, यानी इंप्रेसिव पर्सनालिटी इनकी रहेगी। लार्ज बॉडी फ्रेम इनका हो सकता है,
कर्ली हेयर रहने के भी चांसेस है। एक्सप्रेसिव आईज इनके रहेंगे, इनकी आंखों से पता चल जाएगा कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इस टाइप से भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कॉम्प्लेक्शन के लिए गेहुआ रंग जो है वो मुझे समझ आ रहा है, तो बहुत ज्यादा फेयर भी नहीं, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं, इस टाइप से इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो रहेगा। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। शादी से रिलेटेड कुछ रुकावटें आप लोग एक्सपीरियंस करोगे और आपको थोड़ा सा पजल्ड एनर्जी से भी गुजरना पड़ेगा, फिर आपकी जो मैरिज है वो होगी। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन मैरिज रिलेटेड रहेगा जरूर, यानी इससे करे कि उससे करे, या फिर ये सही है कि वो गलत है, इस टाइप का कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये ओवरसीज कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि इनका कुछ ओवरसीज कनेक्शन हो, ये अपनी कंट्री से दूर और किसी कंट्री में जाके बसे हो, या फिर आप बसे हो, ये भी हो सकता है, या फिर ये फ्यूचर एनर्जीज भी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी कंट्री से दूर और किसी कंट्री में जाके बसो, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आप लोगों का, आपके फ्यूचर स्पाउस का काम रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल किया वो कर दिया, इस टाइप से इनकी एनर्जी रहेगी। बहुत ज्यादा सोचने में वक्त गवा देना इनको पसंद नहीं आता, इनको क्विक एक्शन अच्छे लगते हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस लेना इनको अच्छा लगता है, और प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, यानी बहुत ज्यादा फ्यूचर का प्लानिंग भी नहीं करना, बहुत ज्यादा पास्ट में पलट के भी नहीं देखना, ऐसे हैप्पी गो लकी टाइप की पर्सनालिटी मुझे इनकी दिखाई देती है। इनको अपनी लाइफ अच्छे से जीना आता हो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि इनसे आप ऑलरेडी मिले हो, यानी इनसे मिलने के बाद आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ही इज द वन और शी इज द वन, इस टाइप से मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके फंडे बड़े क्लियर रहेंगे, इनको पता रहेगा कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, तो ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी रहेंगे, यानी इनको पता है कि जिंदगी कैसी होती है, रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड रहता है, ये सारी क्लैरिटी इनकी रहने के चांसेस है। ये काफी इंटरेस्टिंग बातें करने वालों में से भी हो सकते हैं, या फिर इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। कभी कभी ये थोड़े से इम्पल्सिव हो जाए या फिर थोड़े से अग्रेसिव हो जाए, ये भी कुछ ड्रॉबैक्स मुझे समझ आ रहे हैं। जितनी भी चीजें मुझे समझ आ रही है वो सारी एज इट इज में प्लस माइनस सब एज इट इज आप लोगों के सामने रख रही हूँ। 10 of Cups का कार्ड यहाँ पे आया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड माना जाता है, यानी एक बहुत ही अच्छा मैरिड लाइफ आप लोगों का दिख रहा है। आप शादी के तुरंत बाद ही फैमिली एक्सटेंड करने के बारे में सोचो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके दिमाग में है उसी टाइप का पर्सन आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा लेट मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा वेट कराने के बाद मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर शादी से रिलेटेड कुछ रुकावटें एक्सपीरियंस करने के बाद आपकी शादी हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ इनर वर्क करना है, आप लोगों ने कुछ कार्मिक बैगेज या इमोशनल बैगेज कैरी किया है, उसे रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो, उसके बाद आपको आपका जीवन साथी मिलेगा, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ दुआएं करना जरूरी है इनर वर्क करने के लिए, ये बार बार मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। बोलने से रिलेटेड कुछ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि बोलने के पहले पॉज लीजिए, सोचिए और फिर जो है आगे बढ़िए, फिर बात कीजिए। आपके बोलने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर आप उस चीज को ओवरकम कर लेते हो, वहां पर अगर आप लोगों का ध्यान जाता है, तो आप बहुत ही अच्छे कपल के जैसे रह सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि गुस्से में आप लोगों ने डिसीजंस नहीं लेने हैं, अगर आप लोग एक दूसरे से नाराज भी होते हो, ये अक्सर होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में, ये अक्सर होता है, नाराजगी होती है, तो गुस्से में आपने डिसीजन नहीं लेना है। जब आपका मन शांत हो जाएगा तब ही आपने कुछ भी डिसीजन लेना है, गुस्से में डिसीजंस लेना सही नहीं होता है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बाकी तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे आपकी समझ आ रही है, बस थोड़ा सा लेट जो हो रहा है वो आपके कार्मिक बैगेज की वजह से हो रहा है। आपके प्रीवियस लाइफ में आपने कुछ ऐसे किया होता है जिसका आपको इस बर्थ में रीपे करना होता है, उसको हम कहते हैं कि कार्मिक बैगेज है, तो वो बैगेज की वजह से थोड़ा सा लेट होने की संभावना है, लेकिन होने के बाद एक सैटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ आप लोगों का हो सकता है। आपके डायनेमिक के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है वो भी देख लेते हैं।
Some people believe that marriages are dicey. We show that marriage does not end with the love, but nurture it every day. यानी कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद जो है वो प्यार खत्म हो जाता है, यानी शादी हो गई सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं. लेकिन आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो. शादी यानी प्यार का एंड नहीं है. शादी में भी लोग खुश रहते हैं, प्यार से रह सकते हैं. ये आप लोगों को दिखा सकते हो. यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है. तो आप एक आइडियल कपल के जैसे फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन वहां पे कुछ एक रेजिस्टिंग एनर्जी है. उसे ओवरकम करने के लिए या तो आपने सेल्फ हीलिंग करना है, और अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो. यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है. तो ग्रुप टू के लिए इतना ही. अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए. इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए. तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए. आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो. आज की मुलाकात बस इतनी. फिर मिलेंगे इसी चैनल पर. टिल देन, बाय एंड टेक केयर.